सरापा प्रदर्शन आंदोलन प्रोटेस्ट एहतजाज सरापा हो चुका है। दिन में हो, रात में हो, दोपहर में हो, हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में जस्टिस फॉर आरजी कार को लेकर के, जस्टिस फॉर जूनियर डॉक्टर को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस सिलसिला, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कलकत्ता शहर और मगरी बंगाल धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रोटेस्ट एहतजाज सरापा हो चुका है। दिन में हो, रात में हो, दोपहर में हो, हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में जस्टिस फॉर आरजी कार को लेकर के, जस्टिस फॉर जूनियर डॉक्टर को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। हर किस्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हर शोबे के लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग, हर मकतबे फिक्र के लोग रास्ते में उतर करके जस्टिस फॉर आरजी कार को लेकर के एहतजाज कर रहे, धरने पर दे रहे हैं। आज सीपीआईएम का लाल बाजार घेराव था और इस तरीके से पूरी ताकत के साथ इन्होंने आज घेराव किया, मगर उन्होंने मोहम्मद सलीम ने अपनी तकरीर में एक बात कहा कि आज तो जस्ट हम लोगों ने एक ट्रेलर दिखलाया है, फिल्म अभी बाकी है। मतलब अगर पुलिस कमिश्नर को हटाया नहीं गया, उनके पद से नहीं हटाया गया, तो हम लोग 13-14 को होल नाइट जो है धरना करेंगे। तो ये सारा मामला अपनी जगह में है, सारी बातें अपनी जगह में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीएम वाले धरना कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, मगरी बंगाल के कलकत्ता शहर के आम व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर हो, आर्टिस्ट हो, हर लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज आखिर कर क्यों रहे हैं? एहतजाज की वजूहत क्या है? एहतजाज का रीज़न क्या है? एहतजाज की बहुत बड़ी रीज़न है, जैसा कि कहा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि बंगाल को चाहिए पूजा के मूड में आ जाए, दुर्गा पूजा फेस्टिवल में के रंग में रंग जाए, मगर सीपीएम ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता है हम लोग पूजा के रंग में नहीं रंगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आर पार वाला काम है, आर पार निशाने वाला काम है। ये बंगाल की सरजमीन जो है हमेशा से महिलाओं का सम्मान रहा है, महिलाओं का रिस्पेक्ट रहा है, उनकी इज्जत आबरू को लेकर के यहाँ पर बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहजीब हमेशा से बराबर की रही है, कोई भी फर्क नहीं देखा गया है। तो आप समझ सकते हैं, कहने का मतलब है कि आज तकरीबन 9 तारीख है, 9 अगस्त को ही यह हादसा हुआ था, ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, अभी तक बहुत ज़्यादा रिजल्ट सामने में नहीं आया है। मगरी बंगाल की जनता पसोपेश में है, मगरी बंगाल की जनता चिंतित है, मगरी बंगाल की जनता गमगीन है कि जूनियर डॉक्टर के रेपिस्ट को, जूनियर डॉक्टर के कातिल को कब सज़ा मिलेगा। और एक बात, संजय राय की गिरफ्तारी हुई है, आप जानते हैं, एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को भी हिरासत में लिया गया, ये भी आप जानते हैं। और इन सब के पीछे क्या वजूहत है, कितने लोग का हाथ है, किन लोगों ने गेम प्लान किया है, मर्डर की वजूहत क्या है, रेप का रीजन क्या है, ये यहाँ की जनता चाहती है। जनता ये चाहती है कि इंसाफ दूध की तरह, पानी की तरह हो। अगर ये चीज़ नहीं किया गया तो आप जान सकते हैं कि धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं कलकत्ता शहर की अवाम को, यहाँ की जनता को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की माँ बहनों को, यहाँ की खवातीन को, यहाँ की आधा आबादी को लग रहा है कि इंसाफ में डीले हो रहा है। अगर इंसाफ में डीले होता है तो आप समझ सकते हैं इंसाफ को इनकार किया जाता है, इंसाफ के साथ खिलवाड़ होता है। इंसाफ के साथ डीले नहीं होनी चाहिए। फास्ट कोर्ट ट्रैक के जरिए लोगों का डिमांड है फांसी दे दिया जाए। पहले कहते थे वी वांट जस्टिस,
आपका स्लोगन बदल चुका, वी डिमांड जस्टिस। हम लोग का डिमांड है कि इंसाफ मिले, डिमांड पे आ गया। पहले चाहते थे इंसाफ मिले, अब डिमांड है। वांट और डिमांड में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। वांट हमारी ख्वाहिश, हम चाहते हैं। डिमांड का मतलब जोर से, ताकत के जरिए हम उसको इन्फोर्स करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं वी डिमांड जस्टिस का स्लोगन आप लग चुका है। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे इंसाफ में डिले हो रहा है, उस डिले को लेकर के लोग और भी बड़े पैमाने पे लोग रास्ते में उतरे हुए। आप देख सकते हैं कि सरप्रस्त भी कंटिन्यू हर वक्त हर पल हर जगह में जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके प्रोटेस्ट को, उसके धरना को, उसके प्रदर्शन को, उसके एहतजाज को सरापा दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़े पैमाने पर दिखाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि बार बार हर पार्टी के लोग पुलिस कमिश्नर से इस्तीफा का डिमांड कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर से भी डिमांड कर रहे हैं कि इनको इनके पद से हटाया जाए। क्यों हटाया जाए, नहीं अच्छाया जाए, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुई है। जिस तरीक़ा से सच्चाई को, ट्रुथ को, सत्य को छुपाने की कोशिश की गई कॉलेज के मैनेजमेंट में और पुलिस ने, वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक सवालिया निशान है कि आखिर एक मर्डर रेप पर हो गया तो 18 घंटे तक FIR क्यों नहीं हुआ। ये एक सवालिया निशान है। जनरल डायली हो गया और घर वाले को आखिर फोन करके क्यों बोला गया कि सुसाइड है। तो ये सब लेकर के गम गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है और ये आक्रोश कितना दिन तक चलेगा कहना मुश्किल है। आप जानते हैं कि अगर कोई आंदोलन, कोई तहरीक जनता की तहरीक बन जाती है, अवामी तहरीक बन जाती है, तो उसको ख़त्म करना नामुमकिन सा हो जाता है। उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक के उस तहरीक के मकासद को कंप्लीट ना हो जाए। मकासद क्या है कि जो जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसके आसामी को, उसके कल्प्रिट को, उसके दोषी को, उसके मुजरिम को, उसके मर्डरर को, उसके कातिल को सजा नहीं मिलती, उस वक्त तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। यह सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, सिर्फ सियासी लोग धरने पर नहीं उतरे, यहाँ की आम जनता धरने पर उतर चुकी है, यहाँ की महिलाएं धरने पर उतर चुके हैं, यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग धरने पर उतर चुके हैं, यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट लोग धरने पर उतर चुके हैं, यहाँ के प्रोफेसर धरने पर उतर चुके हैं, हर लोग धरने पर उतर चुके हैं। रात में हो, दिन में हो, दोपहर में, हर वक्त धरना कर रहे हैं। मतलब क्या है कि बहुत संगीन मामला है, ये बड़ा मामला है, छोटा मोटा नहीं है। जूनियर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट हो रहा है, इस तरीके से हर पल हो रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर वाकई में गलती हुई है, वाकई में खताएं हुई है, तो दोषी को सजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, किस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत सारे मामलात हैं। जिस तरीके से संदीप घोष का मामला, बदउद्वानी का, करप्शन का मामला आया है, वो तो एक अलग विषय है, वो अलग विषय है। और करप्ट थे नहीं थे वो तो मामला है। CBI ने जब उसके घर से छापामारी मारा तो हाजरा मेडिकल वाले को जो है सोफा चेयर फर्नीचर का भी ऑर्डर उन्हीं को मिलता था। तो सरकारी मामलात में इस किस्म के आम जो है बेनिफिट पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस किस्म के मामले कंटिन्यू हो रहे हैं। मगर क्या है, जिस शहर में सामने में दुर्गा पूजा है, जिस स्टेट में, जिस शहर में दुर्गा माँ की पूजा होती है, काली माँ की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और दिगर भगवानों की पूजा होती है, दिगर माओं की पूजा होती है, उस शहर में, उस बंगाल में अगर एक नारी के साथ, एक महिला के साथ इस किस्म का दुष्कर्म होता है तो हम लोग को डूब के मर जाना चाहिए। हम किस मुंह से पूजा करेंगे दुर्गा पूजा की, हम किस मुंह से माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, हम किस मुंह से काली माँ की पूजा करेंगे? इसलिए कि हम अपने घर की दुर्गा को बचा नहीं पा रहे, अपने घर के काली को नहीं बचा पा रहे, लक्ष्मी को नहीं बचा पा रहे, पूजा को नहीं बचा पा रहे, तो क्या हमें पूजा करने का हक है? वाकई में हमें पूजा करने का हक नहीं है। हम महिला को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो महिलाओं के लिए बात करने का भी कोई हक नहीं है। मगर अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बच रही है, बेटी पढ़ रही है? मगर जिस तरीके से उज्जैन में एक खातिन के साथ रेप हुआ वो भी निंदनीय है, वहाँ भी BJP की सरकार है। जिस तरीके से उत्तराखंड में नर्स के साथ रेप हुआ वो भी निंदनीय है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में समझिए कि दो बच्चों के साथ रेप हुआ वो भी निंदनीय है। इस किस्म का पूरे देश भर में मोदी जी के राज्य में जो है रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा है, यहाँ ममता बनर्जी के राज्य में भी यहाँ पर यह मामला हुआ है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। सच्चाई को छुपानी नहीं चाहिए। मेरा काम तो हमेशा की तरह सच आपके सामने में रखना, सच को बताना, इसलिए कि अगर सच नहीं बताया आने वाली नस्लें बताएगी, पूरा कलकत्ता शहर के अवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के बड़े, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के उम्र दराज लोग,
यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग रास्ते पे उतरे हुए थे, आपको हमने अपना सच बोलने वाला एक आवाज चुना था। वो आवाज क्यों खामोश हो गई थी? तो हर आवाज को दबा सकते हैं, सरपरस की आवाज को कभी भी नहीं दबा सकते, न सरपरस महबूब रजा की आवाज को दबा सकते हैं। हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया है, हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अगर महिला पर किसी भी जात धर्म के खातिर पर जुल्म और ज्यादा होती है, उनकी असमत दरी होती है, उनके साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, तो हम उसके साथ हमेशा से खड़े थे, खड़े रहेंगे, उसके लिए आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारे लोग, हमारे मुसलमान भाई भी और इस्लाम के मानने वाले लोग भी रास्ते पे उतरे, मां बहनों की इज्जत आबरू के लिए सामने में खड़े हो जाए। इसलिए कि इस्लाम हमेशा से इस बात की तलकीन करता है, जहां भी जुल्म हो रही है, ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना है, और हर हमेशा से उठाना है, बड़े पैमाने पे उठाना है। तो सच्चाई हर हालत में बोलना है, सच्चाई बोलने में कभी भी रहे पीछे नहीं रहेंगे। अगर वाकई में चीफ मिनिस्टर साहबा को चाहिए कि इसके बड़े पैमाने पर संज्ञान लेकर के इन पर स्पेशल नजर रख करके जो लोग भी इसमें मुलव्वस है उसको, और अदलिया को भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, सीबीआई को भी चाहिए कि ऐसा जांच रिपोर्ट पेश करे, ऐसा जांच रिपोर्ट पेश करे कि जितने लोग भी जिस तरीका से भी इस केस में मुलव्वस है, जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर में, उसको सजा जेल के सलाखों के पीछे, और जो सबसे कड़ी सजा होती है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पर चेहरा नहीं देखनी चाहिए, ये हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मानने वाले लोग हैं, तो इस किस्म से हमेशा से बचना है। हमने हमेशा से सच्चाई आपके सामने में रखी है, आपके सामने में भी रखते हैं और रखते रहेंगे, और हमेशा महिलाओं की इज्जत और सम्मान के लिए आवाज़ बुलंद किया है और करते रहेंगे। मुझे पता है कि जिस शहर में, जिस स्टेट में, जिस रियासत में, जिस मुल्क में महिलाओं खातून की इज्जत नहीं होगी, वो देश कैसे तरक्की करेगा। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बच पा रही है, बेटी पढ़ पा रही है? बेटी तो पढ़ने गई थी, मगर क्या हो गया, अफसोस की बात है। एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, फाइनली कहना चाहता हूँ, इस न्यूज को इतना शेयर कीजिए, इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए कि जस्टिस फॉर आरजी कार के लिए हर व्यक्ति रास्ते पर उतर जाए। जो लोग भी देख रहे हैं, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे काम था आप तक आवाज पहुंचाना, हमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते रहेंगे। आपसे भी उम्मीद करते, अच्छे सिटीजन होने के नाते से आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक सरपरस न्यूज़ लाइव को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, या आपकी अपनी आवाज़ है, अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ लाल बाजार बेंटिक स्ट्रीट से, CPIM के धरना स्थल से, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार करेंगे, वी डिमांड जस्टिस फॉर आरजी कार। हमेशा न्याय मिलनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ हमेशा हमने आवाज़ बुलंद किया है, करते रहेंगे, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है, करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हजारों व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब, खिदिरपुर। K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now